बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान जैन मुनि विजय हंस रत्न सुर से मिलने पहुंचे, वजह कर देगी हैरान। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को मैन विद हार्ट ऑफ गोल्ड कहा जाता है, यानी एक दिलदार इंसान। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अक्सर इंसानियत का समर्थन करते नजर आते हैं। सलमान खान की दरिया दिली के किस्से कई बार देखने को मिले हैं और हाल ही में सलमान खान जैन मोंग आचार्य विजय हंस रत्न सुरी से उनके 180 दिनों के उपवास के बाद मिलने पहुंचे। आचार्य विजय हंस रत्न सुरी एक जाने माने जैन आचार्य है। कई मशहूर हस्तियाँ जैन आचार्य विजय हंस रत्न सुरी के पास आशीर्वाद लेने के लिए आती रहती है। इस बार उन्होंने छठी बार इतना लंबा उपवास रखा था। यही वजह है कि सलमान खान आचार्य जी से मिलने के लिए मजबूर हो गए। पहले बता दें, सलमान खान सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसके पीछे वजह है उनके घर में मिला हिंदू और मुस्लिम कल्चर का साझा संस्कार। सलमान खान की माँ सुशीला चरक हिंदू है, वहीं उनके पिता सलीम खान मुसलमान है। सलमान खान के घर में ईद पर जहाँ सेवैयाँ पकती है, वहीं गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा घर में विराजित करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सलमान खान की इस दरिया दिली को देखकर लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। एक यूजर ने लिखा, भाई इसकी कोई आस्था वास्ता कुछ नहीं है, इसकी मूवी आ रही है। वहीं एक और यूजर ने कहा, वो हर धर्म की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए गणेश पूजा अपने घर में धूमधाम से करता है। वहीं एक और यूजर ने कहा, सलमान खान और उनका पूरा परिवार दरिया दिली का प्रतीक है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, सलमान भाई सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बॉलीवुड में अच्छे अभिनेता के साथ अच्छे इंसान भी है भाई। आप सलमान खान की जैन मोंग से इस मुलाकात को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।